बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देने के बाद बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया है। वहीं इससे पहले भी बीएड मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसकी सुनवाई आज यानी 20 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय ले लिया है और इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि दशहरे के बाद दे दी गई है। आपको बता दें कि इस याचिका की सुनवाई 30 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश के बेंच पर होगी। वहीं इसको लेकर याचिकाकर्ता ने बताया है कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन लोगों को प्रारंभिक में मौका नहीं दिया जाएगा। खेल के बीच में खेल का नियम बदलना अनुचित है और इसको लेकर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर की है। इस बार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में उन्हें मौका दिया जाए, यदि हम लोगों को मौका नहीं मिलता है तो यह उचित नहीं होगा। इस पर भी अभी सुनवाई लंबित है और सुनवाई की तिथि 30 अक्टूबर को कर दी गई है। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच पर होनी है। मालूम हो कि उन लोगों ने चुनौती इस बात पर दी है कि बीएड अभ्यर्थियों को छांटकर प्रारंभिक के 72,000 रिजल्ट सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों के बीच से दे दिए गए हैं। बीएड अभ्यर्थियों के साथ आयोग ने सौतेला व्यवहार किया है। सुप्रीम कोर्ट यदि बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाता है तो फिर रिजल्ट का क्या होगा? इस रिजल्ट पर उन लोगों ने रोक लगाने की कोर्ट से मांग की है। जी हां, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है और मामले की सुनवाई की अगली तिथि दशहरे के बाद दे दी गई है। अब इस याचिका की सुनवाई 30 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश के बेंच पर होगी। तो वहीं इसको लेकर याचिकाकर्ता ने बताया है कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था कि उन लोगों को प्रारंभिक में मौका नहीं दिया जाएगा। खेल के बीच में खेल का नियम बदलना अनुचित है और इसी को लेकर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर कर दी है। इस बार के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन्हें मौका दिया जाए, यदि उन लोगों को मौका नहीं मिलता है तो ये उचित नहीं होगा। इस पर अभी सुनवाई लंबित है और सुनवाई की तिथि 30 अक्टूबर को कर दी है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने पिछले दिनों 24, 25 और 26 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया है। तब जब शिक्षक भर्ती परीक्षा की फॉर्म भर दिए गए, आवेदन अभ्यर्थियों ने दे दिया, तब राजस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया है वो प्राइमरी सेक्शन के लिए योग्य नहीं होंगे। ये फैसला तब आया जब अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था। ऐसी बातें ना तो नोटिफिकेशन में कही गई थी ना भी कहीं पर कुछ बताया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब बीएड अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्योंकि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। डीएलएड वालों का रिजल्ट आ गया है, लेकिन बीएड वालों की जो रिजल्ट है वो अभी रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन दशहरे के बाद अब सुनवाई की जाएगी। आज की सुनवाई को 30 अक्टूबर पर टाल दिया गया है। ऐसे में रीट याचिका दायर की गई और कहा गया है कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड वाले को मौका दे दिया जाए और देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर आखिर क्या फैसला आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।